गुड मॉर्निंग आप सभी का सोशियोलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं ध्रुव कुमार दीक्षित स्वागत करता हूँ। इस चैनल के माध्यम से समाजशास्त्र की अवधारणाएं के साथ साथ उनको स्पष्ट करने के साथ साथ सामाजिक विषयों पर चर्चा के साथ साथ मेरा यह प्रयास है कि समाजशास्त्री जितने भी हुए हैं उनके जन्मदिवस और पुण्यतिथि पे उनके कृतों को, उनकी कृतियों को, उनके योगदान को आप सभी के सामने इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाए। इसी कड़ी में आज आपके सामने एक प्रख्यात भारतीय समाजशास्त्री राधाकमल मुखर्जी जी को मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। 7 दिसंबर आज उनका जन्मदिन है। 7 दिसंबर 1889 को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के बरहामपुर जिले में एक बंगाली ब्राह्मण परिवार में आपका जन्म हुआ था। ग्रामीण प्रवेश का कस्बा था। आपके पिता अपने समय के प्रख्यात वकील थे और विद्वान थे। इतिहास में उनकी रुचि थी। राधा कमल जी की प्रारंभिक शिक्षा बरहामपुर में हुई। बरहामपुर के कृष्णनाथ महाविद्यालय के विद्यार्थी रहे और भारत की एक बड़ी शैक्षणिक संस्था से उनको छात्रवृत्ति भी मिली। बाद में आप प्रेसिडेंसी कॉलेज कलकत्ता में उच्च शिक्षा के लिए गए। इतिहास, अंग्रेजी साहित्य में आपने ऑनर्स की पढ़ाई की। आपके साथ वहाँ H.M. पेरीवाल, अरविंद घोष, हाँ जो दार्शनिक अरविंद घोष हैं उनके भाई M. घोष और भाषाविद हरिनाथ डे जैसे विद्वान भी थे। प्रेसिडेंसी कॉलेज के एक प्रतिभावान विद्यार्थी राधा कमल जी लेखन कार्य भी करते थे और यहीं उन्होंने कॉम स्पेंसर, लिस्टर वार्ड, हब हाउस, किडिंग्स की रचनाओं का अध्ययन किया। 1905 और 6 में स्वदेशी आंदोलन में भी अपने काम किया था। आपकी इच्छा थी कि मानव समाज व्यक्तियों का अध्ययन करें। देश की भावना के प्रति अटूट उत्साह से आपने कलकत्ता की गंदी बस्तियों में शैक्षणिक कार्य जो किए हैं, कलकत्ता की जो गंदी बस्ती के लिए उन्होंने शैक्षणिक कार्य किए वो बताता है आपकी राष्ट्र भावना को। इन्होंने प्रौढ़ शिक्षा पर भी अपना ध्यान केंद्रित किया और 1906 में कलकत्ता में कई प्रौढ़ प्रशिक्षण केंद्र प्रारंभ किए। कलकत्ता की गद्दी बस्ती मछाऊ बाजार में इनका प्रौढ़ शिक्षा केंद्र काफ़ी प्रसिद्ध था, जहाँ उन्होंने साहित्य का लेखन भी किया। 1940 में आप बरहामपुर में अर्थशास्त्र विषय के शिक्षक नियुक्त हुए। 5 साल यहाँ रहे। ये सर्वाधिक व्यस्तम क्षण था। यहीं पर उन्होंने अपनी पहली पुस्तक फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी लिखी और यहीं से एक बंगाली पत्रिका उपासना में भी लेखन कार्य प्रारंभ किया। मैंने पहले ही चर्चा की कि प्रौढ़ शिक्षा केंद्र ये चलाते थे। राष्ट्र भावना इनके मन में कूट कूट के भरी थी, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने 1915 में इनको गिरफ्तार किया। इन पर आरोप लगाया कि ये प्रौढ़ शिक्षा केंद्र सारे इनके समाप्त कर दिया और आरोप था कि आप आतंकवादी हैं, आप यहाँ प्रौढ़ शिक्षा के नाम से आतंकवादी गतिविधियां चला रहे हैं। लेकिन इनके भाई वकील थे, उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रयास किया और इनको छूट मिली। फिर बाद में पंजाब में सरकार से इनका लंबा केस लड़ा, बहुत कुछ हुआ, पक्ष रखे गए। बाद में सरकार को उन्हें छोड़ना पड़ा और पंजाब में लाहौर के एक कॉलेज में इनको नियुक्ति मिली। फिर इसके बाद 1917 में आप कलकत्ता पुनः आए। 5 साल यहाँ रहे। अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र और राजनीतिक दर्शन पढ़ाया। 1915 में ही उनको प्रेमचंद रामचंद पुरस्कार मिल गया था और 1920 में विद्या वाचस्पति की उपाधि मिली। ये उपाधि जो उनका विषय था, सोशियो इकोनॉमिक चेंज इन इंडियन रूरल कम्युनिटी, ये विषय पे उनको कलकत्ता विश्वविद्यालय ने उपाधि दी। 1921 में आप लखनऊ विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बने। जिस दिन से आपने काम किया है उस दिन से लखनऊ विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र समाजशास्त्र विभाग के आप अध्यक्ष रहे और काफ़ी शोध कार्य किया। 1945 से 1947 की अवधि में आप ग्वालियर राज्य के आर्थिक सलाहकार भी रहे। 1962 में भारत सरकार ने आपको पद्मभूषण की उपाधि से सम्मानित किया है। आप आईएलओ जो अंतर्राष्ट्रीय लेबर ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, उसके आप प्रतिनिधित्व किया आपने भारत की तरफ से। ललित कला अकादमी में भी थे आप। लखनऊ विश्वविद्यालय के इंस्टीट्यूट
आप सोशियोलॉजी एंड ह्यूमन रिलेशन के 1958 आप निदेशक रहे और मृत्यु पर्यंत आप नहीं रहे। एक खास बात है, जितना शिक्षा जगत से जुड़े थे, जितने बड़े विद्वान थे, उनकी हर कृति, पूरा इनका दीवनचर्या जो बताया जाता है कि बहुत ही सरल था। सुबह 3 बजे उठते थे, प्रातः 3 बजे उठ के भजन योग करते थे। नियमित रूप से आप श्रीमद् भगवद गीता का पठन पाठन करते थे, रोज पढ़ते थे गीता। प्रातः 8 बजे से आप 3-4 घंटे लेखन कार्य करते थे और 11 बजे विश्वविद्यालय विभाग पहुंच जाते थे। इसके बाद विश्वविद्यालय शिक्षण कार्य के पश्चात इनका जीवन समाज सेवा में, फील्ड वर्क में जाता था, समाज सेवा करते थे। कुछ लोगों ने तो यहां तक कहा है और मेरा भी मानना है, जिस तरह से भारतीय साहित्य में प्रेमचंद का स्थान है, कविताओं में, काव्य में रविन्द्रनाथ मुखर्जी का स्थान है, उसी तरह से समाजशास्त्र के क्षेत्र में या सांस्कृतिक क्षेत्र और समाजशास्त्र के क्षेत्र में राधा कमल मुखर्जी का स्थान है। अगर आप प्रेमचंद को याद करेंगे, रविन्द्रनाथ मुखर्जी को याद करेंगे, तो समाजशास्त्र में हमको राधा कमल मुखर्जी को याद करना होगा। इनकी मृत्यु भी बहुत वो है, मृत्यु भी देखे अध्ययन अध्यापन के साथ ही इनकी हुई है। 24 अगस्त 1968 को लखनऊ में ललित कला अकादमी की सामान्य सभा की बैठक चल रही थी, आप अध्यक्षता कर रहे थे, अध्यक्षता करते के दौरान ही आपका निधन हुआ। तो ये राधा कमल मुखर्जी का जीवन परिचय है। इन्होंने 1979 में कहा था कि संस्थाएं व्यक्ति को दिखाई न देने वाली एकता का परिचायक है। भारतीय समाज में सामाजिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक अंतर निर्भरता को परखने के लिए उन्होंने सबसे पहले संरचनात्मक प्रकारवाद पद्धति का प्रयोग किया। आपका प्रारंभिक प्रशिक्षण अर्थशास्त्र में हुआ था, अतः उन्होंने आर्थिक समाजशास्त्र के क्षेत्र में माइक्रो सूक्ष्म स्त्री ग्रामीण अर्थव्यवस्था और भूमि समस्याओं पर कार्य प्रारंभ किया। मुखर्जी के 53 पुस्तकों की रचनाएं हैं, इन्होंने 53 पुस्तकों की रचनाएं की, लेखन कार्य इनका बहुत था। इनके लेखन का मूल विचार वास्तव में समाज विज्ञानों की एकता के साथ जुड़ा हुआ है। इनके सहयोगी और विद्यार्थियों ने भी इन उपागमों का प्रयोग किया है। इनके द्वारा रचे गए विषय महत्वपूर्ण थे। समाज का अध्ययन करने के लिए इन्हें अंतर्वैश्विक और बहुवैश्विक अध्ययनों का उपयोग किया है। इनकी कुछ किताबें हैं, द 3 वेज, द वे ऑफ ट्रांजेक्टलिस्ट रिलीजन एस ए सोशल नॉर्म 1929 में आई थी, सोशियोलॉजी एंड मिस्टिसिज्म 1931, द थ्योरी एंड आर्ट ऑफ मिस्टिसिज्म 1937, द फाउंडेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स 1916 में, द रूरल इकोनॉमी ऑफ इंडिया 1926, रीजनल सोशियोलॉजी 1926 में आई है, द लैंड प्रॉब्लम ऑफ इंडिया 1927 में, इंटरकास्ट टेंशन इसमें को ऑथर थे 1951 में, द डायनेमिक्स ऑफ मॉरल ए सोशल साइकोलॉजिकल थ्योरी ऑफ इथिक्स 1950 में, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज 1940, मूल्यों के समाजशास्त्र के लिए हम जानते हैं वो किताब इनकी दो, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज जो 1949 में, इंडियन वर्किंग क्लास 1945, द डेस्टिनी ऑफ सिविलाइजेशन 1964, फ्लावरिंग ऑफ इंडियन आर्ट 1964, ये उनकी कुछ किताबें हैं। इन्होंने खासतौर से जिन मुद्दों को उठाया उन पर हम देखें तो भारतीय संस्कृति थी, समाज का सिद्धांत था, सार्वभौमिक सभ्यता का सिद्धांत, आर्थिक क्रियाकलाप, सामाजिक व्यवहार इनके प्रमुख थे, व्यक्तित्व, समाज और मूल की चर्चा की आपने, समुदाय का अध्ययन किया, नगरी सामाजिक व्यवस्था को आपने बहुत पास से देखा और सामाजिक परिस्थिति को आपने जानने का प्रयास किया। 1964 में उन्होंने भारतीय कला, वास्तुकला, इतिहास और संस्कृति पर बहुत कुछ लिखा है। ये पहले विद्वान थे जिन्होंने भारतीय कला, इतिहास और संस्कृति पर बहुत कुछ लिखा है। इनका कहना था भारतीय कला सामाजिक और नैतिक परिवेश के साथ जुड़ी हुई है। यहाँ पे जो भव्य मंदिर हैं भारत में, स्तूप हैं, विहार हैं, ये सब के इसके उदाहरण है। ये बताते हैं हमारे नैतिक परिवेश को, हमारी कला को, हमारी संस्कृति को। ये हमेशा धर्म के साथ, उन्होंने कहा कि हमारे जो भी कला है वो धर्म के साथ जुड़ी है। मुखर्जी भारतीय धर्मों के गैर आक्रामक चरित्र को से प्रभावित थे। समाज का सिद्धांत भी इन्होंने दिया, सार्वभौमिक सभ्यता की अवधारणा दी। दूसरी चीज, इनकी एक किताब है, इनका एक लेख है जिसमें लिखा था ना, इंस्टीट्यूशनल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक्स, उसमें आप देखते हैं कि पश्चिमी अर्थशास्त्र जो है, वेस्टर्न इकोनॉमिक्स ने देशी ज्ञान के लिए परंपराओं की समझ की अवहेलना की है। पश्चिमी अर्थशास्त्र देशी परंपराओं को नहीं मानता, देशी ज्ञान को नहीं मानता।
देशी व्यापार में हस्त उपयोग बैंकिंग जैसी व्यवस्थाओं के लिए विकास का अर्थ बाजार का उपयोग जैसी प्रक्रियाओं के विकास से है। पाश्चात्य अर्थशास्त्री क्या कहते हैं, सिर्फ बाजार और औद्योगिक केंद्रों तक सीमित है। पश्चिमी के जितने भी इकोनॉमिक्स्ट हैं उनका केंद्र जो है, केंद्र बिंदु सिर्फ बाजार है और औद्योगिक केंद्र है। लेकिन भारत में तो अधिकांशतः आर्थिक क्रियाकलाप जो है जातीय और आदिवासियों के परिपेक्ष में घटित होते हैं। बोले यहां तो जातियों के रूप में हमारी आर्थिक क्रियाएं होती हैं, आदिवासियों के क्रियाकलाप दैनिक क्रियाकलापों में आर्थिक क्रियाएं आर्थिक गतिविधियां संचालित होती हैं, इनके लिए बाजार प्रासंगिक ही नहीं है। उन्होंने कहा यहां प्रासंगिकता सीमित है। भारत में आर्थिक गतिविधियां परंपराओं के अनुसार जाति और संगठन से प्रभावित हैं। हर जाति के अपने अपने आर्थिक क्रियाकलाप हैं, उसी को उन्होंने हाईलाइट किया था। यह यहाँ पे प्रतियोगिता है ही नहीं, व्यवसाय में कोई प्रतियोगिता नहीं। वेस्ट में, पश्चिमी देशों में जैसे व्यवसाय में प्रतियोगिता होती है, कंपटीशन होता है, भारत में ऐसा कुछ भी नहीं है। विनिमय की अर्थव्यवस्था हमारे यहाँ सामाजिक है। एक्सचेंज जो करते हैं हम सब, विनिमय जो करते हैं वो सामाजिक रूप से करते हैं। सामूहिक जीवन इससे उत्पन्न है हमारा। समाज के लोग एक दूसरे पर निर्भर हैं और भारतीय परंपरा में मानवीय जीवन का प्रमुख लक्ष्य वास्तव में सामुदायिकता को माना गया है। इसी कारण से यहाँ अर्थव्यवस्था का उद्देश्य परंपराओं के उद्योग को प्राप्त करना है, ना कि पश्चिम जो बता रहा है वो गलत है। आपने आर्थिक मूल्यों को कहा कि हमें सामाजिक मानकों के संदर्भ में समझना होगा। भारत के आर्थिक मूल्य जो है भारत के सामाजिक मानकों के अंदर में धार्मिक और आचरणीय जो आर्थिक परंपराएं हैं, इन्होंने ही हमारे यहाँ धर्म और हमारे आचरण हैं, इन परंपराओं से हमारे यहाँ आर्थिक गतिविधियों ने जन्म लिया है। आपने कहा कि आप देखिए हमारे जो रोज के दिन प्रतिदिन मूल्यों की बात की है राधा कमल जी ने, तो व्यवसाय में भी उन्होंने कहा कि हम जो रोज करते हैं, हमारे जो जीवन मूल है, ये जीवन में प्रतिदिन कोई ना कोई मूल हमारा समाहित रहता है और यही हमको नियंत्रित कंट्रोल करके रखते हैं। उन्होंने एक उदाहरण दिया था बहुत अच्छा कि हमारे यहाँ की अर्थव्यवस्था जो पश्चिम के लोग देख रहे हैं वो पूरी तरह से गलत है। इस उदाहरण से उन्होंने समझाया कि भारत में उच्च जाति का व्यक्ति गौमांस नहीं खाएगा। इसी प्रकार से मुस्लिम या यहूदी जो यहाँ रहते हैं वो सूअर का मांस नहीं खाएंगे। भूख की चाहे जो भी स्थिति हो, कितना भी ब्राह्मण भूखा होगा या मुस्लिम भूखा होगा, लेकिन वो गौमांस या शुकर का मांस नहीं करेगा, वो ऐसा नहीं। इसलिए वो कहते हैं कि यहाँ हमारी परंपराओं से, हमारे मूल्यों से, जीवन विचारों से व्यापार चलता है। इसलिए उनका कहना था कि आर्थिक गतिविधियों पर सामाजिक या सामूहिक व्यवहार का प्रभाव नहीं पड़ता, ये कहना पूरी तरह से गलत है। आर्थिक गतिविधियां व्यक्ति के सामाजिक और सामूहिक व्यवहारों से प्रभावित होती हैं। इनकी एक किताब है पर्सनैलिटी, उसमें उन्होंने कहा है पर्सनैलिटी के बारे में, उन्होंने जो चर्चा की व्यक्ति समाज और मूल की, वो कहते हैं किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व वह है जो निर्णय करता है और अपनी रुचि के अनुसार से कार्यों का विकल्प तैयार करता है। इसमें उन्होंने कहा है कि मूल्यों की पूर्ति का प्रयास करते हैं, अपने लिए करते हैं, दूसरों के लिए करते हैं और सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए। हर व्यक्ति अपने मूल्यों की जो रुचि के अनुसार विकल्प तैयार करता है वो तीन लोगों के लिए, एक अपने लिए करता है, फिर दूसरे के लिए करता है, फिर सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए करता है। इनका कहना था समाज संरचनात्मक अकादमिक योग है, पूरा का पूरा समाज वास्तव में संरचनात्मक अकादमिक योग है। इसमें परिस्थिति है, सामाजिक मनोवैज्ञानिकता है, नैतिक समाज, सबको अलग अलग हमको देखना होगा। मूल की जो चर्चा की, जो हम बहुत पढ़ते हैं इनके बारे में, मूल्यों के समाजशास्त्र के लिए उसके जनक कहलाते हैं राधा कमल मुखर्जी। मूल्यों की चर्चा करते हुए आपने कहा कि वास्तव में मूल समाज द्वारा निर्धारित इच्छाएं और लक्ष्य, मूल समाज के द्वारा निर्धारित लक्ष्य हैं, इच्छाएं हैं, जिनका अंतःकरण किया जाता है, उनको सामाजिकरण की प्रक्रिया, सोशलाइजेशन की प्रोसेस के माध्यम से या अनुकूलन के माध्यम से स्वीकार किया जाता है। मूल स्वचिंतन, व्यक्तिगत वरीयता स्तर और इच्छाएं जागृत करते हैं। हमारी इच्छाएं जो है मूल्यों के आधार पर होती है, मूल कंसेप्टुअल है। हमारी अवधारणात्मक इच्छाएं जो होती हैं, लक्ष्य होते हैं, विचार होते हैं और जो मानकों से परे है, कोई भी आदर्श लक्ष्य के पारस्परिक संघर्षों प्रत्यनों के बीच में निर्मित होता है। तो ये मूल्यों की इन्होंने चर्चा की है, समुदाय की चर्चा की है, सामाजिक परिस्थिति की चर्चा की है, नगरी सामाजिक समस्याओं को बताया। ओवरऑल अगर हम देखें राधा कमल मुखर्जी का जो समाजशास्त्रीय या अर्थशास्त्रीय विश्लेषण है, उससे स्पष्ट है कि आप किसी एक ऐसी पद्धति की तलाश में थे जो आर्थिक प्रवेश और सामाजिक ऐतिहासिक सांस्कृतिक व्यवस्था के
किसी प्रकार के स्वतंत्र संबंधों की स्थापना कर सके। इनकी द जनरल थ्योरी ऑफ सोसाइटी, द फिलॉसफी ऑफ सोशल साइंस, इसमें सामाजिक अनुसंधान के लिए अंतर विषय अनुसंधान की वकालत की थी। मुखर्जी के तीन प्रस्ताव हम सभी को जानना होंगे, बहुत महत्वपूर्ण थे, जिसके लिए वो आज भी जाने जाते हैं। पहला, अर्थशास्त्र को आप विशिष्ट विज्ञान मानते थे, समाज विज्ञान में इसकी विशिष्ट स्थिति थी, ऐसा आपका मानना था। दूसरा, योजनाओं के लिए संस्थात्मक प्रस्ताव, इंस्टीट्यूशनल प्रपोजल, जो विशेष रूप से अर्थशास्त्री प्रवेश का नहीं था, उसे उन्होंने समाज विज्ञान के प्रवेश में एक्सेप्ट किया, स्वीकार। तीसरे, इनका एक प्रस्ताव था, यदि सामाजिक यथार्थता को, टोटल रियलिटी को हम समझना चाहते हैं, तो हमें अंतर विषयक आधार पर ही इसे समझना होगा। समाज विज्ञान का अर्थ है सम्मिलित विभिन्न विषय जैसे अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र, समाज शास्त्र आदि, इनके आधार पर। इसलिए आप देखेंगे संस्थात्मक आयोजन का विश्लेषण में इनका बहुत बड़ा योगदान है, कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा है, लेकिन इसे हम समाज ने आसानी से स्वीकार नहीं किया। गुरनाल मिर्नल ने तो 1971 में कहा था, हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहां सूरज पूरब से नहीं पश्चिम से है, यानी सूरज पश्चिम से उगने का मुंह देखता है, पश्चिम से जो उगते उनका मुंह देखता है। पश्चिम के इन विचारों को तीसरी दुनिया में प्रत्यारोपण कर दिया गया, लेकिन मुखर्जी ने इसे स्वीकार नहीं किया। भारतीय समाजशास्त्र के वे जनक माने जाते हैं, भारतीय समाजशास्त्र की नींव रखने के लिए उन्होंने तर्क दिए, प्रस्ताव दिए और समाजशास्त्र को स्वयं कैसे विकसित करना चाहिए इस पर विचार किया था। वास्तव में देखा जाए तो संरचनात्मक, प्रकारात्मक, तुलनात्मक पद्धति, अंतर विषयक शोध किए, आपने संदर्भ पुस्तक की क्षेत्रीय खोज, ये सभी किए। आपने जो मुद्दों को उठाया है, इनके प्रमुख मुद्दे थे भारतीय संस्कृति, समाज का सिद्धांत, सामाजिक परिस्थिति, नागरी सामाजिक समस्याएं, व्यक्ति समाज और मूल। वास्तव में राधाकमल मुखर्जी ने एक स्कूल स्थापित कर दिया था भारत में। जीएस गुरिये के समय में मुंबई स्कूल चलता था समाजशास्त्र का, लेकिन उसी दौर में राधाकमल मुखर्जी ने लखनऊ में स्कूल ऑफ सोशियोलॉजी स्थापित किया, जो आज भी समाजशास्त्र के लिए सर्वाधिक काम कर रहा है। तो आज उनके जन्मदिन पर ये वीडियो मैं आपको समर्पित करता हूँ।